आपका। शुक्र ही क्यों, अन्य ग्रहों की बात क्यों नहीं कर रही हूँ। शुक्र घर है, गाड़ी है, बंगला है, शुक्र शादी है, शुक्र लव है, शुक्र प्रेमी और प्रेमिका है, शुक्र पति और पत्नी है, शुक्र ही आपके चेहरे की मुस्कुराहट है। आप जो ये श्रृंगार कर रही हैं, सिंदूर लगा रही हैं, कान में पहन रही हैं, लिपस्टिक लगा रही हैं, सब शुक्र है। आपकी जो इच्छा हो रही है सवरने की, मुस्कुराने की, सजने धजने की, यह शुक्र है। आप जब सजकर निकलती हैं और सामने वाला अट्रैक्ट हो रहा है, ये शुक्र है। आपका मन जो शांत है, ये शुक्र है। आप जो पार धन कमा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग आपको पसंद कर रहे हैं, ये शुक्र है। इसलिए बात कर रही हूँ शुक्र ग्रह के। दाम्पत्य जीवन का संपूर्ण संबंध शुक्र ग्रह से होता है, और यदि शुक्र बिगड़ रहा है आपका, तब बिगड़ रहे हैं रिश्ते, तब हो रहा है आपका अपमान। ससुराल में जहां भी कान लगाती हैं आप, आपको आपकी शिकायत सुनाई देती है, जबकि सुबह से रात तक सारे काम तो आप करती हैं। एक एक लोगों को एक एक उसकी पसंद की चीजें खाने में बना कर देती हैं, उनके कपड़े धोती हैं, बर्तन धोती हैं, अपने पति को खुश करने का सारा प्रयास आपने कर लिया है, फिर भी जहां कान लगाती है कोई और तो छोड़ो, आपका पति स्वयं आपकी शिकायत कर रहा है हर जगह, अपनी माँ के पास, अपने दोस्तों के पास। ये शुक्र है जो बिगड़ा पड़ा है आपकी चार्ट में, आपकी कुंडली में। तो चलिए काम उधर नहीं करके काम इधर करते हैं। साइड ए में ही खराबी है, साइड बी को सुधार कर, समझा कर, अपनी अपनी दुहाई देकर, कसम देकर क्या करना है, चलिए अपने शुक्र को सुधारते हैं। यदि लज्जित होना पड़ रहा है आपको सबके सामने, आप बैठने चाहती हैं और आपका पति कहते हैं यहाँ क्यों आ गए बैठने के लिए हमारे बीच, जाओ जाकर रसोई में काम करो, अर्थात आपका बैठना उठना मुश्किल हो गया हो जब ससुराल में। आप जरा सा खाना खाने बैठती हैं, सास आपकी थाली पर नजर डालती है, दिन भर तो तुम खाना ही खाती रहती हो, ये क्या सबने अच्छे से खाया, मैंने ही तो सारे खाने बनाए, मैं दो मुट्ठी खा ली तो सबकी नजर उस पर है, कुछ अच्छा पहन ली तो ननद ने कहा भाभी सारी नई नई साड़ियां निकाल कर घर में ही पहन लोगी क्या, पैसे बरसते हैं क्या, इसे संभाल कर रखो, घर में कुछ पुराना पहन लो। ये शुक्र बिगड़ा पड़ा है आपका। लोग कहते हैं क्या मरी पड़ी, तुम्हारा चेहरा कितना उदास है, कौन पसंद करेगा तुम्हें, कैसी लगती हो तुम, क्या तुम्हारी जोड़ी है, कहां तुम्हारा पति इतना स्मार्ट, और कितनी खराब तुम लगती हो। ये शुक्र है जो तुम्हें लज्जित कर रहा है, अपमानित कर रहा है, दिनों दिन तुम्हें नीचे की ओर खींच रहा है, ये शुक्र है। तो मैंने कहा ना, जब साइड ए में ही खराबी है, साइड मेरे ही साइड खराबी है, तो मैं क्यों जाऊँ सास से बहस करने, मैं क्यों जाऊँ अपने पति की दुहाई देने, क्यों उसके सामने हाथ जोड़ूं, मनाऊं, अपने प्यार का विश्वास दिलाऊं, चलो अपने शुक्र को मजबूत कर लेते हैं। शुक्र ग्रह ही ऐसा है, यदि मजबूत हो जाए तो जैसे भी हो तुम पीछे पीछे तुम्हारा पति दौड़ेगा। लिख कर देती हूँ ये शुक्र को, स्ट्रांग कर लो, दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकेगी। क्या दाम्पत्य जीवन, क्या पति पत्नी का जीवन, क्या प्रेमी और प्रेमिका। कई बार सुना होगा तुमने, ये औरत है ना, इसका पति इसका बिल्कुल गुलाम है, इसके पीछे पीछे घूमता है, सास पर पता नहीं क्या जादू कर रखा है इसने, कितनी खूबसूरत लगती है, लगता ही नहीं शादी को 10 साल हो गए। उस औरत का शुक्र मजबूत है, तो क्यों ना हम आज अपने शुक्र को मजबूत करने का कोई उपाय करें। सर्वप्रथम हमारा शुक्र मजबूत हो जाएगा, फिर देखो क्या हम कार्य करते हैं। एक छोटा सा मंत्र बताऊंगी, एक छोटा सा प्रयोग बताऊंगी, एक ऐसा अद्भुत प्रयोग बताऊंगी आज तक किसी ने नहीं बताया होगा तुम्हें, ना किसी सामग्री की आवश्यकता, ना कुछ। अपने चार्ट में, अपने कुंडली में जो भी मेरा शुक्र गड़ा बिगड़ा पड़ा है, उसे मैं आसानी से 6 हफ्तों के अंदर माइनस से पहले सामान्य में लाऊंगी, और सामान्य से कितना ऊपर ले जाऊंगी तुम स्वयं देखकर हैरान रह जाओगे, खुद ही आओगे मेरे कमेंट सेक्शन में धन्यवाद लिखने के लिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे है मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों, मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और कुछ ना बताओ आप तो भी आपके ग्रहों की क्या स्थिति है आपके कमेंट्स में पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इसलिए ताकि जो अथक प्रयास कर रही हूँ आपकी सफलता के लिए, वह सीधा पहुंचे आप तक। रोना नहीं, आंसू नहीं बहाना है, बीमारी है तो दवा खाना है, जो समस्या है तो उसका इलाज करना है, रो धोकर
इधर उधर अपने दुख की बात बताकर शिकायत चुगली करके कुछ नहीं मिलेगा। आज शुक्र ग्रह को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं और कैसे दाम्पत्य सुख को पा सकते हैं, कैसे अपने पति को, अपने प्रेमी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं मिनटों में, चलिए बात करते हैं इस पर। शुक्रवार के दिन किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ करें, कृष्ण पक्ष में ना करें। शुक्र पक्ष के शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करें। शुक्रवार को आपको अपना पेट खाली रखना है, किसी भी प्रकार का धान्य नहीं खाना, अर्थात अनाज नहीं खाना है। चने की दाल, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा आपको नहीं खाना है, बेसन, मैदा कुछ नहीं खाना। यह क्या बात हुई, व्रत रखने से शुक्र सुधरता है? हाँ, व्रत रखने से शुक्र सुधरता है। न संतोषी माता का व्रत रखना है आपको, न वैभव लक्ष्मी माता का व्रत रखना है, न किसी भी देवी देवता का व्रत रखना है। शुक्रवार के दिन आपको अपना पेट खाली रखना है। खाना या पीना क्या है? फल खाना हो बहुत मजबूरी तभी आप फल खाएं संध्या के बाद, वरना ना खाएं। संयम रखें, कुछ नहीं होता एक दिन व्रत रखने से। दूध पिए, पानी पिए, शरबत पिए, नींबू पानी पिए, छाछ पिए, दही खाएं। अरे ये सब यदि आप शुक्रवार को खाना प्रारंभ कर दें और किसी भी तरह के अनाज से खुद को शुक्रवार के दिन दूर कर दें। अनाज में बुध होता है, बहुत सारे ग्रह होते हैं, हमें आज किसी पर काम नहीं करना, हम अपने पेट को खाली रखेंगे, इसके लिए किसी दवा को नहीं खाएंगे। अद्भुत है ना ये प्रयोग, क्योंकि ये ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र एक समुद्र है, इसमें इतने खजाने हैं, यदि थोड़ी सी बारीकी जानकारी हम ले ले तो घर बैठे सुखी हो जाएंगे। शुक्रवार के दिन अपने पेट को खाली रखें, दूध दही छाछ आदि से काम चलाएं, संभव हो तो फल भी ना खाएं। बिल्कुल आप ना रह सके तभी संध्या के बाद आप कुछ फल खा सकते हैं, बस इतना कीजिए। ओम धीम मंत्र का 108 बार जप करें और 108 करके 3 बार जप करें दिन से शाम तक में, जब मौका मिले ओम धीम शब्द का 108 बार जप करें और शुक्रवार को अनाज से बिल्कुल दूर रहें। केवल अपने पेट को खाली रखने मात्र से आप अपनी कुंडली के बिगड़े से बिगड़े शुक्र की अवस्था को सुधार सकते हैं, सवार सकते हैं। कैसे जीवन आपका सवर जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। वही पति जो अपमानित कर रहा है तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, वही प्रेमी जो तुम्हें छोड़ने की बात कर रहा है भागकर तुम्हारे पास आएगा और विवाह का प्रस्ताव लेकर आएगा। शुक्र सुधर गया तो इतना धन कमाओगी कि वैसे भी लड़कों की लाइन लग जाएगी रिश्ते के लिए। चेहरे पर खूबसूरती आएगी, आकर्षण बढ़ेगा, दुनिया झुकेगी तुम्हारे कदमों में, फिर इस व्रत को रखने में जाता ही क्या है। करें शुक्रवार का व्रत, धन से, अनाज से खुद को दूर रखें और देखिए क्या चमत्कारी परिणाम होता है आपके जीवन में। जो अनुभव करें आप मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।